हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। और आज हम बनाएंगे वेज पुलाव, वो भी कुकर में, जो एकदम क्विक हो जाता है। और उसके साथ हम बनाएंगे बूंदी रायता। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वेज पुलाव बनाने की। इसके लिए मैंने ये सभी वेजिटेबल्स लिए हैं। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप ले सकते हैं। और ये मैंने राइस लिया है। ये राइस को मैंने 2 घंटे पहले 2 बार धोने के बाद भिगो कर रख दिया था। कुकर में हम लेंगे 1 टीस्पून घी एंड 1 टीस्पून ऑयल। ये मैं ऑयल और घी मिक्स करके लेती हूँ। आप सिर्फ ऑयल से भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम इसमें सब खड़े मसाले डालेंगे। ये एक टुकड़ा मैंने सिनेमम का लिया है। ये 2 ड्राई रेड चिली है, 4 से 5 लौंग एंड 6 to 7 ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर। और ये छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने तेज पत्ते के लिए है। इन सबको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। और जब जीरा गरम हो तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रफली चॉप जिंजर, 1/2 टीस्पून रफली चॉप गार्लिक। और दोनों को सौते करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप ऑनियन और इसको सौते होने देंगे। ऑनियन सौते हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 बॉल चॉप पोटैटो और पोटैटो को थोड़ा कुक होने देंगे। पोटैटो थोड़े हाफ कुक हो गए हैं। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेंच बीन्स, 2 टेबलस्पून कैरोट, 2 टेबलस्पून ग्रीन पीस, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम एंड 2 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/2 बाउल चॉप टोमेटो और सबको 1 या 1.5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब हम इसमें सब मसाले करेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट। हमें अभी इसमें राइस भी डालना है तो उसके हिसाब से हम सब मसाले करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अराउंड 1.5 टीस्पून गरम मसाला। अगर आपके पास पुलाव या बिरयानी का गरम मसाला नहीं है तो आप भाजी पाव का मसाला भी यूज कर सकते हैं। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़े दिन थोड़े टाइम के लिए इसको हम पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आधे मिनट के लिए होने देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने ये बाउल भर के राइस लिए थे तो मैं ऐसे 2 बाउल पानी डालूंगी। तो आप जो भी बाउल का मेजरमेंट ले राइस के लिए उतने 2 बाउल पानी इसमें डालना है। पानी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होगा तो ही राइस एकदम अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे लीड लगाए बिना फुल गैस पे हम पकाएंगे। उसके बाद उसका लीड बंद करेंगे। ऊपर का पानी थोड़ा जल जाए तब इसके ऊपर लीड लगाना है और 2 विसल करनी है। अब हम बूंदी रायता बनाएंगे। उसके लिए मैंने अराउंड 1/2 बाउल योगर्ट लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर।
इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे बूंदी। बूंदी मैंने अराउंड 1/4 बाउल जितनी ली है, आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा ले सकते हैं। तो ये हमारा बूंदी रायता तैयार है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे दो विसल के बाद हम देख ले तो हमारा पुलाव रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हुआ है और दाना भी एकदम छुट्टा है, तो इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। पहले हम बनाया हुआ बूंदी रायता एक बाउल में ले लेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी बूंदी। अब इसकी साइड में हम पुलाव सर्व करेंगे। पुलाव को हम कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। तो तैयार है वेज पुलाव विथ बूंदी रायता।